हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम इन रीजनिंग क्लास। ये बताइए, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? इज माई वॉइस क्लियर? जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी से। देखिए, आज मैं ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं जिसमें सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस परेशान करते हैं, समझ में नहीं आते हैं, करने का तरीका क्या होना चाहिए, सर कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं, सर कोई भी लॉजिक लग सकता है, तो कहाँ तक हम लोग इतने लॉजिक सोचेंगे, कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो इन सभी बातों का जवाब मेरे पास है और मैं चाहूंगा कि आप लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो सीखने के लिए जुड़ना जरूरी है और जुड़ने के लिए समझना जरूरी है। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको इस चैनल पे पूरा कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कोई चार्जेस नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को इतना ग्रो कराएं, और वो ग्रो अपने आप होगा जब आप रेगुलर यहाँ पर बनेंगे। रेगुलर मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, आप लोग अपने लिए मेहनत करोगे, आप लोग यहाँ पर स्टडी करोगे, चीजों को समझोगे एंड रेगुलर बेसिस पे बने रहोगे। तो मैं आप लोगों का रीजनिंग एजुकेटर पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, एंड यकीनन यहाँ पर मैं आज कल और परसों 3 दिन लगातार नंबर सीरीज ही कराऊंगा। अब ये जो नंबर सीरीज होगी या एग्जाम पैटर्न पे होगी, अप लेवल, हाई लेवल, लो लेवल, हर तरह के क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। चीजों को प्रैक्टिकली समझते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो? सबसे पहले एक काम आपको करना है, वो क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करने वाला और कराने वाला, अपने दोस्तों को भी बोलिए यहाँ से सब्सक्राइब पे जाके सब्सक्राइब तो कर लेते हैं। बेल आइकन के जस्ट बगल में आपको एक एरो दिखता है, उसको एरो को ओपन करके इस तरह से विंडो खुलती है, तो उसमें ऑल पे क्लिक करना होता है बेटा आपको। ये वाला स्टेप रह जाता है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन भी मिलना बंद हो जाते हैं और स्टूडेंट परेशान घूमता रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट परेशान घूमे या कोई भी मेरी क्लास से वंचित रह जाए या कोई भी बच्चा क्लास ना कर पाए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चा यहाँ पर क्लास करे, चीजों को सीखे। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के, ये सारे टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से। तो अब इन टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जितने भी टॉपिक हैं बिल्कुल हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो लेवल से लेके चलेंगे और रेगुलर लेके चलेंगे। बस याद रखिएगा, एक चैनल सब्सक्राइब करना है, दैट इज रीजनिंग विद अंकित सर। सीरीज, सीरीज एक ऐसा टॉपिक है यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। ये परेशान करता है और मैं चाहता हूं कि इसकी परेशानी का सॉल्यूशन मैंने आप खुद ढूंढो, और आप कैसे ढूंढोगे आप इसको समझो। बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे, चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा बेटर होगा। जब सीरीज की बात करते हैं नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज आपको क्या मिलता है? नंबर सीरीज दो तरीके से मिलता है, एक तो फाइंड द नेक्स्ट नंबर एंड रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखिए, हाथ से हाथ मिलाइए, यूट्यूब पर आइए, डेली बेसिस पे क्लास लीजिए, क्योंकि जब आप हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाने से मतलब है बेटा चीजों को सीखना है ना आपको, तो सीखने के लिए आओ ना रेगुलर। जब आप रेगुलर हो जाओगे तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, चीजों को समझाने का तरीका है, डे बाय डे चेंज होता जाएगा, डे बाय डे अपडेट होता जाएगा, और डे बाय डे मैं आप लोगों को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देना शुरू कर दूंगा, बट आपको रेगुलर बने रहना होगा। चलिए, टेबल्स याद है? नहीं याद है तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको नहीं कुछ तो कम से कम 30 तक के टेबल याद कर देने हैं। यहां पर
होपफुली मेरी आवाज सभी को क्लियरली आ रही होगी, क्योंकि अभी जो एरर था बेटा वो रिसॉल्व हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जल्दी से यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर ले। मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था जहाँ पर, मैं वहीं पर चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सीरीज के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक नंबर सीरीज में मैंने टेबल्स की बात की थी, टेबल्स आपको याद करने। अच्छा ये बताइए, स्क्वायर्स आप लोगों ने याद किया? एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया? ओके तो हम लोग यहां पर थे, स्क्वायर्स आपने याद किए, नहीं किए तो याद कर लीजिएगा। 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, एनी हाउ 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने, क्योंकि जब आप 30 तक के स्क्वायर याद कर लोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नंबर सीरीज आसान हो जाएगा, कोई भी चैप्टर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो आपका आसान हो जाएगा। क्यूब्स आपको कम से कम 20 तक के याद करने हैं, जब आपको क्यूब 20 तक के याद होंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन करने में, चीजों को समझने में एंड आंसर करने में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने तरीके से आ सकता है एंड कैसे उनको समझा जा सकता है। बट उससे पहले मैं फिर से बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का ऑप्शन क्या है, यहां पर करने के बाद एक एरो आपको मिलता है, इसको ओपन करके नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलते रहे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप रह जाता है जिसकी वजह से आप लोग क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाते। अब नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज आपको बेसिकली, जो हम एक बेसिक पॉइंट की बात करें जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेट तो नहीं कहते, बट हाँ एक अजम्पशन बेस हम ये चीज जानते हैं कि अजम्पशन मतलब, कहने का मतलब यह है कि इतने टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली बनते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखा रखा है डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब पे बेस्ड बन सकते हैं क्वेश्चन, अब प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन सीरीज बन सकती है, मिसलेनियस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन की वैरायटी की बात करते हैं तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए यहां पर मिल सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर से आगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है। जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर पहले क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो यहाँ सीरीज जो दी है, यहां पर जो डिफरेंस है दैट इज कॉन्स्टेंट, यानी एक ही तरह का डिफरेंस है। और वो डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, 3 का, 8 का, 13 का, 18 का, 23 का, 28 का एंड 33 का, यानी डिफरेंस जो है वो कहीं भी बदल नहीं रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि डिफरेंस ये ऐसे ही रहे, डिफरेंस हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है डिफरेंस का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल जाए, यानी क्वेश्चन जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि आप यहां पर देखिए ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, 9 का, 11 का, यानी आप देख रहे हैं ऑड नंबर स्क्वायर, यानी ऑड नंबर का क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है? अब नीचे जो आपको एक सीरीज दिख रही है दैट इज द स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर एंड माइनस वन। तो आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया माइनस वन किया, 3 का स्क्वायर किया माइनस वन किया, 4 का, 5 का स्क्वायर किया माइनस वन किया, 7 का स्क्वायर किया माइनस वन किया। अब ये देखिए नंबर क्लियरली आपको दिख जाते हैं कि ये स्क्वायर के आसपास चल रहे हैं, बस यहीं से हमें लॉजिक कैच हो जाता है कि क्वेश्चन को किया कैसे गया होगा। मिलन, मैंने अनअकैडमी बिल्कुल नहीं छोड़ा है, कुछ रीजंस है, दे डोंट मतलब वो लोग नहीं चाहते कि मैं कंटिन्यू करूं, तो उसमें बेटा मेरे हाथ में चीजें नहीं होती, मेरे हाथ में इतना है कि मेरे बच्चों को मैं क्लास कैसे कंप्लीट कराऊं, मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं, तो मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा यार, यहां पर जुड़ो मेरे साथ। और आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, शायद इतना मैंने कहीं पर भी ना पढ़ाया हो, इतना ज्यादा मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए यहां पर 2 का क्यूब, यहां पर 4 का क्यूब, यहां पर 6 का क्यूब, यहां पर 8 का क्यूब, दैट इज इवन नंबर क्यूब, यानी इवन नंबर का, तो क्लियरली दिख रहा है इवन नंबर का क्यूब। नेक्स्ट में देखिए इवन नंबर नहीं प्राइम नंबर है या इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 3, 7 का क्यूब प्लस 3, यानी हमें यहां पर सीरीज को देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ोगे तो देखिए प्रोडक्ट सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज क्या हो सकती है, एक सिंगल नंबर कांस्टेंट हो सकता है, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है। तो जब आप सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इतने तरीके से तो हमें देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बेटा, हम इन क्वेश्चंस को समझने के लिए एक चीज याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आपकी कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्वेश्चंस को समझने में यकीनन दिक्कत आएगी, ये तो कंफर्म है। मतलब आप अगर ये सोचो कि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है नहीं और आप चीजों को इजीली कर लो, ऐसा संभव तो नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दुनिया के तख्ते पे कोई भी आपकी
कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग तब तक नहीं करा सकता जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस ना करो। अगर मैं कहूं कि मैं मेरे बच्चों की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, यकीन मैं करा दूंगा, बट बेटा करना आप ही को होगा। ये बात भी एक सच है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, और इस ट्रुथ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग इस पे नहीं समझोगे तो बेटा दिक्कत होने वाली है। चलिए मैं एक काम करता हूं कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहां पर क्या डिविजिबिलिटी रूल दिखाया है। अब ये डिविजिबिलिटी जरूरी नहीं एक सिंगल कॉन्स्टेंट नंबर से हो, ये जो आपकी डिविजिबिलिटी है ये आपकी चेंज भी हो सकती है, जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, इस तरीके से आपका ये डिविजिबिलिटी रूल जो होगा ये आपका बढ़ सकता है। यानी डिविजिबिलिटी जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो आपका बढ़ सकता है, हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, रक्षा, आशीष सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी है यानी डिवाइड हुआ है वो 2 से डिवाइड हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर देखो ये जो सीरीज है ये कॉम्बिनेशन सीरीज है। कॉम्बिनेशन सीरीज क्या होती है, जब दो चीजें आपको मिल जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई एंड एडिशन मिल जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन मिल जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई एंड डिविजन मिल जाए, कुछ भी आपको मिल सकता है और आपको समझना होगा। कभी कभी क्या होता है कि सीरीज 2 की जगह 3 भी हो जाती है, और इन 3 सीरीज को सॉल्व करने के लिए जब आपको नंबर का कोई सीक्वेंस ना दिखे, कुछ ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे दिखे, तो ऐसी सीरीज जो होती है वो हमारी कौन सी सीरीज होती है, कॉम्बिनेशन सीरीज, जो कि आपको यहां पर दिख रही है। एंड कॉम्बिनेशन सीरीज है क्या, क्लियर? देखो जब हमने पहला नंबर देखा 625 था, फिर 5 आ गया, फिर 125 कैसे, तो ये देखिए यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, एंड लास्ट यहां गए। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो यहां पर लॉजिक लग रहा है ये डिविजिबिलिटी है किससे, 5 से। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर आप देखिएगा आपको क्लियरली दिख रहा है 5, 5 के बाद आपको दिख रहा है 25, 25 के बाद आपको दिख रहा है 125। तो यानी ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल में मैंने नंबर्स रखे हैं ये आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करते हुए हमें चलना है। अब नेक्स्ट आप बढ़ते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दूसरी चीज के बेटा आप लोग सब लोग यहां पर हो तो भी साथ को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और रेगुलर क्लास करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, YouTube पर मेरी क्लास डेली होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग और अच्छे से पढ़ें। फिर पोज हो गया क्या बेटा, मेरी वीडियो चल रही है या पोज हो गई, जल्दी से पहले ये बताओ, इज माई वीडियो पोज? YouTube पर मेरी तो देखिए यहां पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 1। बेटा ये पता नहीं वीडियो कैसे पोज हो जा रहा है, लिटरली डोंट नो। डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, एंड द नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाय 4। और जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी मैंने इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, पता नहीं कैसे पोज हो गया था बेटा, कोई बात नहीं, ये पता टेक्निकल एरर है आज तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो बी रेडी, समझ के चलना है हम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पर है 15, 30, 60, 120, देन क्वेश्चन मार्क। ओ माई गॉड, यहां पर देखिए देवेंद्र ने एक झटके में ऐसा आंसर किया कि मैं भी हिल गया। बेटा अभी क्वेश्चन दिए मुझे देरी नहीं हुई और तेरा आंसर आ गया, ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे यहां पर इस चैनल पे, इस क्लास में, कि मैंने यहां पर अभी टाइम हुआ नहीं मुझे दिए हुए और क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया। देवेंद्र का, लीना का, श्रीकांत का, अंकित का, सभी लोग वीडियो लाइक कर देना बाबा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस पे लगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ सके। नंदनी का आंसर आ गया, देवेंद्र का, विकास का, सभी का आंसर आ गया, दैट इज वेरी गुड।
यहां पर देखो मल्टीप्लाई विद टू, 15 दुनी 30, 30 दुनी 60, 60 मल्टीप्लाई टू 120, मल्टीप्लाई टू 120, मल्टीप्लाई टू अगेन, जब मल्टीप्लाई टू होता है तो हमारे यहाँ कितना बनता है 240, यानी 240 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप लोगों का जबरदस्त आंसर था, गजब मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ध्यान से आंसर करो और अपने दोस्तों को यहां पर जोड़ो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहां पर पढ़ सके। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो यहां पर काफी लोगों ने मुझे आंसर किया, बट सही किया या गलत किया पता नहीं। 34, 34 के बाद रिजल्ट है 18, 18 के बाद सीरीज में दिया है आपको 10, 10 के बाद दिया है 6, और 6 के बाद आपको दिया है 4, और 4 के बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। बड़े सारे बच्चों ने यहां पर आंसर किया, बहुत तेजी से आंसर किया, सही किया गलत किया ये तो बाद की बात है। सभी लोग वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस कहां से देख पाओगे। चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे बढ़ेगा चैनल भी और वीडियोस भी। अब यहां से देखिए, यहां से आपने क्या किया, 34 को 34 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट आएगा 17 प्लस 1 18। अब यहां से डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट हो गया 9। जब आप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 करोगे तो 9 प्लस 1 यानी 10, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 3 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट हो गया 2 प्लस 1, यानी रिजल्ट कितना आएगा 3 आएगा। तो मैं देख रहा था यहाँ पर 3 आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सुबह बेटा यहाँ पर पूजा का, मिलन का, सभी का आंसर काफ़ी अच्छा है, गणेश साहू का आंसर अच्छा है, अखिलेश का सही है, और ये सुभश्मिता का आंसर बेटा एकदम सही है, देवेंद्र का, लीना का परफेक्ट आंसर है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर जो मुझे दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, धमाका कर दीजिए इस वाले क्वेश्चन में, करेक्ट लॉजिक लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर यहां पर सही जाता है। देखिए सीरीज क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखा, सबसे पहले हमें दिखा 4, 4 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर, मुझे लग रहा है कि सीरीज बहुत किनारे हो रही है, मैं सीरीज को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलता हूं, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट मुझे दे दीजिए बेटा, ताकि मैं 3-4 क्वेश्चन एडजस्ट कर लूं, फिर आगे फिर एडजस्ट कर लूंगा कुछ क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा किनारे हो गए, मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा किनारे कैसे हो गए, बस एक मिनट दे दो, क्योंकि एक मिनट में पूरा पेपर एडजस्ट हो जाएगा, पूरी क्लास के क्वेश्चंस एडजस्ट हो जाएंगे, और इससे आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगली क्लास में मैं राइट साइड लेके आऊंगा क्वेश्चंस। चलो अभी पहले इतने ही क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन था,
इस क्वेश्चन को जब आप यहां पर देख रहे हो तो क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, फिर आपको दिख रहा होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक, फिर आपको दिख रहा होगा 105, फिर 524, मतलब अब देखिए कि जो सीरीज स्क्वायर वाली थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, खत्म हो गई, तो दैट मीन्स लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक कुछ और लगा होगा, तो लॉजिक क्या है बताइए मुझे। देखिए 41, 45, 31, 45 आंसर काफ़ी लोगों ने कर दिया, देखिए 4 था, 4 के बाद 9 था, 9 के बाद 26 था, 26 के बाद 105 है, 105 के बाद आपका 524 देन क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, अच्छा आगे देखिए फिर क्या है, मल्टीप्लाई 3, 9 × 27 माइनस 1, फिर देखिए जब आप 26 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई विथ 4 होना चाहिए, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 करके 104, फिर आएगा प्लस 1। अब नीचे देखिए ये अगर हम मल्टीप्लाई 5 की कर दे तो 525 माइनस 1, यानी एक प्लस 1 एक माइनस 1 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो ये देखिए 524 मल्टीप्लाई विथ कितना आएगा, 2 × 4 ऊपर आएगा 6, 6 × 24 का 4 हासिल है, 6 × 12 और 1 × 13 का 3, नहीं 6 × 12 24, हाँ 6 × 24 कैरी 2 होगा, तो देखिए 6 × 12 12 × 2 = 14, 14 × 4 हासिल 1, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, तो यहाँ या मल्टीप्लाई विथ 6 करके 3144 प्लस 1 यानी 3145। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समझने की जरूरत है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है, आंसर करने की जरूरत है, बट टाइम देने की भी जरूरत है, तो बेटा थोड़ा टाइम दो, आंसर निकालो, अच्छे से सॉल्व करो, आंसर मिलेगा नो डाउट। बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारे अपडेशंस मेरे चैनल के मिलते रहे, सारी क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहो और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। अमेजिंग, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सबसे जरूरी काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 है ना, बट आगे सीक्वेंस नहीं फॉलो होगा, तो भैया लॉजिक क्या लगा, एक काम करो 90% क्वेश्चंस की अगर हम बात करें नंबर सीरीज में, तो आपके डिफरेंस मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। डिफरेंस मेथड आप लोग समझते हैं तो समझ लीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस यहां पर कितना है, तो अगर हम देखें तो यहां पर 9 का डिफरेंस है, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 16 का। भाई मुझे आधी कहानी तो क्लियर हो गई, क्योंकि मैं यहां पर देख रहा हूं ये 2 का स्क्वायर है, जब मैंने आगे देखा तो ये 3 का स्क्वायर है, जब मैंने आगे देखा तो ये 4 का स्क्वायर है, तो हम यहां पर बात करेंगे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 25 के बाद यहां पर आपका आएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, 36 क्लियर। तो देखिए 32 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो 25 जोड़ने के बाद आपका जो रिजल्ट बनेगा दैट इज 57 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आठ दिख रहा है, 27 दिख रहा है, 64 दिख रहा है, 125 दिख रहा है,
125 के बाद क्या आएगा? देखिए ये क्या है, 2 का क्यूब, दिस वन इज 3 का क्यूब, दिस वन इज 4 का क्यूब, दिस वन इज 5 का क्यूब, अगेन क्या बनेगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब बोले तो 216, 216 यानी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बेटा यहां पर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना जो चाहता हूं, वो ये कि सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, या सब्सक्राइब करने के बाद बेटा एक एरो आएगा, एरो से आपको ये नोटिफिकेशन खोल लेना है जिसमें आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक एरो ऐसे बना रहता है ना, इस पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसको मत देखना, इस पर क्लिक कर लेना। ये यहां पर राइट में मिलेगा, और यहां पर जब मिलेगा इससे आपके ऑल नोटिफिकेशन पे आके आप इसको चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर आपको सामने दिख जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय 14 दिया है, 21 दिया है, 21 के बाद आपको 29 दिया है, 29 के बाद आपको 38 दिया है, 38 के बाद आपको 48, 48 के बाद 59 यानी 59 दिया है। तो बताइए लॉजिक क्या है। अरे वाह देवेंद्र, लीना, प्रियंका, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। बस यही तो हमें चाहिए। आप सभी लोग एक बार यार मेरा वीडियो तो लाइक कर दो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार कुछ हुआ है। 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, ये 11 का डिफरेंस, और नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर डिफरेंस होगा 12 का। और जब 12 का डिफरेंस होगा तो यानी 59 प्लस 12 इज कॉल्ड 71, यानी जो डिफरेंस होने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट इज 71। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से देखना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
अब यहां पर कुछ लोग सोचेंगे और आंसर करने में टाइम लेंगे। रक्षा का आंसर सी आ रहा है बेटा, रक्षा आई डोंट नो बट आई विल चेक। अच्छा मैं नंबर सीरीज की कल भी क्लास लूंगा, परसों भी क्लास लूंगा, यानी नंबर सीरीज के इतने क्वेश्चंस दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, नो डाउट। अच्छा आप एक काम करिएगा, लाइक तो कर ही दिया है वीडियो को, नहीं किया तो और कर लेना लाइक भाई, क्योंकि जब लाइक करते हो तो तभी समझ में आता है कि कैसा चल रहा है ना, और ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हाथ से हाथ मिलाइए, रीजनिंग विद अंकित सर में आइए और डेली क्लास लीजिए। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, आप देखिए सीरीज देखिए, 4 3 7 यानी +3, नेक्स्ट आपका गया +4, नेक्स्ट आपका क्या गया +5, और नेक्स्ट आपका क्या जाएगा +6, और +6 कितना हो गया 22 यानी ऑप्शन सी जो कि रक्षा ने सबसे पहले आंसर किया था। अंकित वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, देवेंद्र ध्यान से बेटा ऐसे ही आंसर करना है ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 8 से 13, 13 से 17, 17 से 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 23, देन क्वेश्चन मार्क। तो लॉजिक क्या लग सकता है सोचिए। वेरी गुड वेरी गुड रक्षा, चलिए 30 सेकंड और दिए आपको सोचने के लिए। 30 सेकंड के बाद मैं आपसे लॉजिक पूछूंगा, आपसे आपका आंसर पूछूंगा, और चाहूंगा कि आप 30 सेकंड बाद जो आंसर करें उस आंसर में रक्षा का आंसर आया 20, बहुत समझदारी हो, तरीका लॉजिक हो, ध्यान से आंसर करना है। यहां पर देखिए +5, नेक्स्ट कितना है +4, नेक्स्ट कितना है -3, अगेन देखिए +5, नेक्स्ट कितना है +4, और नेक्स्ट कितना है -3। -3 आएगा दैट विल बी 20, 20 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4 के बाद 10, 10 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद 82, 82 के बाद 244, 244 के बाद 730, तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। एक मिनट दीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। ओके 28 आएगा। देखिए मुझे एक चीज देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो मल्टीप्लाई 2+2 है या फिर मल्टीप्लाई 3-2 है, 4 3 12 -2 या 4 3 8+2, बट मैं यहां जब 82 को देख रहा हूं तो 82 कितना है 82 में मैं देख रहा हूं मल्टीप्लाई विद 3 करूंगा तो ये बन जाएगा 6 8 3 24, 246 बनेगा, 246 माइनस 2 हो गया। अच्छा मैं यहां से यहां चेक करता हूं, ये 244 से कितना है 244 मल्टीप्लाई 3 करके देखूं तो 4 3 12 12 का 2 हासिल है, 4 3 12 और 1 13 का 3 हासिल है, और 3 2 6 और 1 7 732 हो गया, यानी अगेन -2। तो क्लियर हो गया यहाँ मल्टीप्लाई 3 -2 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 -2 है,
यहां भी मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 है, तो यहां पर भी जब नेक्स्ट जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 30, माइनस 2 कितना हो जाएगा यानी 28। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि सभी लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकाला है, दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, 17, 26, 37, 50, देन क्वेश्चन मार्क। 10 से गए 17, 17 से गए 26, 26 से गए 37, 37 से गए 50, फिर भी ना मिला क्वेश्चन। जैसे पूना से गई पटना, पटना से गई पता नहीं कौन सा गाना है। खैर चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। 10 से 17 का लॉजिक, 17 से 26 पहुंचने का लॉजिक, 26 से 37 पहुंचने का लॉजिक, 37 से 50 पहुंचने का लॉजिक, क्या अल्टीमेट लॉजिक है? करिए आंसर। देखिए क्लियरली दिख रहा है प्लस 7, क्लियरली दिख रहा है प्लस 9, क्लियरली दिख रहा है प्लस 11, क्लियरली दिख रहा है प्लस 13, यानी ऑड नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ 9 है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता। अब कितना आ जाएगा प्लस 15, और जैसे प्लस 15 आया क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 65, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमेजिंग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ध्यान से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बेटा जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलेंगे यहां पर सारे वीडियोस। दो तीन पांच सात ग्यारह क्वेश्चन मार्क, 5 सेकंड का आंसर, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स। या यहां पर बेटा आएगा 13, बिकॉज ये सीरीज जो है प्राइम नंबर सीरीज है, क्योंकि स्टार्टिंग 2 दिया है और 9 कहीं दिया नहीं है, 9 दिया नहीं है, 7 के बाद सीधे 11 है, दैट इज प्राइम नंबर सीरीज, 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1 दिया है, 1 के बाद 9 दिया है, 9 के बाद 17, 17 के बाद 33, 49, 73, देन क्वेश्चन मार्क। बेटा सभी को समझ में आ गया? देखिए रेगुलर क्लास लीजिए, और रेगुलर पढ़िए, ग्रेट एफर्ट। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था। आंसर तो आप लोगों ने कर दिया, किसी ने 36 किया, किसी ने कुछ किया, किसी का आंसर कुछ और था,
36, जबकि ऑप्शंस में भी नहीं है। आशीष 36 आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग 97 कर रहे हैं। डिफरेंस देखिए, सबसे पहले 8 का डिफरेंस, फिर यहां से देखिए 8 का डिफरेंस, यहां पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 16 का, अगेन 16 का डिफरेंस। तो यहां पर देखिए डिफरेंस कितना है, 24 का। तो यहां भी डिफरेंस कितने का होगा, 24 का। तो 73 + 24 रिजल्ट हो गया कितना, 79, यानी 97 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। फाइव के बाद नाइन, नाइन के बाद आपको दिया 17, 17 के बाद आपको दिया है 29, 21, नाइन के बाद 45, 45 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क। तो पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, या डिफरेंस यहां से देखिए 4 का है, नो डाउट। टीना ने 65 बोला, डिफरेंस कितने का है, 8 का है। डिफरेंस कितने का है, 12 का है। 12 के बाद यहाँ डिफरेंस कितने है, 16 का डिफरेंस है। तो यहाँ कितने का आएगा, 20 का डिफरेंस आएगा, 20 मतलब 65। लीना एकदम करेक्ट आंसर है आपका, करिश्मा आपका आंसर भी सही है, यानी ऑप्शन बी। और गणेश कह रहा है बी, 20 द करेक्ट आंसर। देवेंद्र एक ही बार लिख मेरे बच्चे, प्रियंका बी, आशीष का आंसर 24 है बट गलत है। चलिए आज लास्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 45 दिया है, 66 दिया है, 91 दिया है। तो बताइए 15 की जगह आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ से डिफरेंस कितना है, 5 का। यहाँ से डिफरेंस कितना है, 9 का। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से डिफरेंस है 5 का, यहाँ से डिफरेंस है 9 का, यहाँ से पता नहीं, यहाँ से पता नहीं, बट यहाँ से डिफरेंस कितना है, 21 का। यहाँ से डिफरेंस कितना है, 25 का। क्लियर है? और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब आप डिफरेंस निकाल रहे थे तो एक चीज़ आप लोगों ने अगर पकड़ी हो ध्यान से, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना था, 4 का था। यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 4 का। हम ये माने कि अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिफरेंस 4 का ही हो तो लॉजिक क्या होगा, 9 और 4 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 4 21 हो गया, ये भी सही हो गया। अब देखिए 13 जैसे जुड़ा तो यहाँ कितना हो गया, 28 हो गया, 28 इज द करेक्ट आंसर। और 28 + 17 = 45 होता है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास यहाँ खत्म करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए प्रोसेस है, पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। पहले तो आप सब्सक्राइब दबाइएगा, यहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे आप। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक एरो दिखाई देगा जो राइट हैंड साइड पर दिखाई देगा, इस एरो को क्लिक करना है आपको, और क्लिक करके आपको क्लिक ऑल करना है, ऐसे ये जो आपको राइट में दिख रहा है ऊपर थर्ड पिक्चर में, तो ये काम आप कर लोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मेरी क्लासेस के मिलते रहेंगे। बस आप इतना कर लीजिए, और इतना करने के बाद रेगुलर मेरे साथ बनिए इसी चैनल पे। मेरी क्लास टाइमिंग 2 है, मेरी क्लास टाइमिंग 2 है, और दोनों टाइमिंग मैं आपको बता दूं, सुबह क्लास मैं ले रहा हूँ 12:30 बजे, और सुबह मतलब दिन, ठीक है। एक क्लास मेरी हो रही है 7 PM, 7 PM मैं टॉपिक वाइज कराता हूँ, और दिन में 12:30 बजे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो या क्लास टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, दोनों चीज़ करना चाहते हो, तो इस चैनल पे जुड़ो। रीजनिंग का इतना करा दूंगा कि कुएं से भी ऊपर जैसे होता है ना कि जल बहने लगेगा, उसी तरह से आपका रीजनिंग भी बहने लगेगा, और इतना स्ट्रांग करा दूंगा कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, स्टेटस पे लगा लेना, नोटिफिकेशन पे लगा लेना। थैंक यू एंड गुड लक, बाय बाय।
मिलेंगे नेक्स्ट।